हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिचकी सॉन्ग की कोरियोग्राफी का आगे का पोर्शन देखेंगे। कल तक हमने म्यूजिक सीखा और आज हम उसके आगे लिरिक्स पे आते हैं, ठीक है। उससे पहले एक डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहूँगा। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के, कि मेरा कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, क्योंकि स्क्रीन पे आपको वो दिख, जो मेरा राइट है वो आपको लेफ्ट लग रहा है, जो मेरा लेफ्ट है वो आपको राइट लग रहा है, क्योंकि मैं मिरर फॉर्म में वीडियो बना रहा हूँ जो फ्रंट कैमरे से यूज हो रहा है। तो फ्रंट कैमरा जब भी आप यूज करेंगे तो आपको आपका राइट आपको लेफ्ट दिखेगा और आपका लेफ्ट आपको राइट दिखेगा। वही कंफ्यूजन आप लोगों को हो रही है, तो ये चीज मैं आज से सही कर दूंगा। आज से इस वीडियो को मैं बैक कैमरे से बनाऊंगा जिससे आपको कोई ऐसी कंफ्यूजन ना रहे। और लेकिन फिलहाल पिछले दो वीडियो में आपको कैसे सीखना है, जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे मेंशन है आपके, आप ध्यान देना स्क्रीन पे राइट और लेफ्ट में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मेंशन है, तो उसके हिसाब से ही आप अपना राइट और लेफ्ट यूज करेंगे। जिधर उसमें स्क्रीन में आपको राइट दिख रहा है उधर ही आप राइट यूज करेंगे, जिधर लेफ्ट दिख रहा है उधर लेफ्ट यूज करेंगे। आज से मैं ये बैक कैमरे से बनाने वाला हूँ जिससे आपको एक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और फिर भी मैं ये मेंशन करूंगा कि कौन सा राइट हैंड साइड है कौन सा लेफ्ट हैंड साइड है, स्क्रीन पे आपको अभी भी दिखेगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप मत रखिए, जो स्क्रीन पे दिख रहा है जिधर राइट और लेफ्ट वही आपको यूज करना है, ओके। कल तक का म्यूजिक मैं आपको एक बार काउंट पे करके स्टार्टिंग से दिखाता हूं। रेडी, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद का क्या पार्ट है हमारा, 4 यहां पे खत्म हो रहा है। अगले दिन से वो मैंने सिखाया था 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेग ज्वाइन हुआ, इसके बाद 1 2 3 4 और ये 5। यहां तक हमारा पिछले टर्न पे हमने सिखाया था आपको। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप हमारा ओवर हो रहा है यहां पे 5। इसके बाद का स्टेप, पहले पैर आप समझिएगा, राइट लेग ये हमारा है, ये हमारा राइट लेग है, ये हमारा लेफ्ट लेग है। तो राइट लेग को राइट साइड में टोज पे बाहर निकाल लें 1। इसके बाद लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड में टो पे बाहर निकालना है 2। फिर से समझिए 1 2। अब जब 1 2 हम लोग कर रहे होंगे तो दोनों पैर के नी को हल्का हल्का बेंड करेंगे हम 1 2, समझ में आया। कोशिश करिएगा कि हील्स को अप रखने के लिए, हील्स को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। 1 2 और 3 में दोनों लेग को ज्वाइन करना है 3। फिर से समझिएगा एक बार 1 2 3। अब लास्ट स्टेप हमारा कहां खत्म हो रहा है, ये खत्म होने के बाद जहां से लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है घड़ी घड़ी 3, ठीक 1 2 3। लिरिक्स है घड़ी घड़ी ओ जुगनू, घड़ी घड़ी ओ जुगनू, ठीक 1 2 3। अब हाथ देखेंगे हम लोग, ये हमारा पॉइंट फिंगर है दोनों हाथ के, इससे हमें राइट साइड में लेफ्ट साइड में पैर के साथ साथ पॉइंट करना है 1 2, ठीक 1 2। फिर समझिएगा 1 2 और 3 में पॉइंट फिंगर अंदर करके मुट्ठी बंद करते हुए चेस्ट के सामने हाथ को हमें लेके आना है, ठीक। शोल्डर हमारा एल्बो के बराबर में आएगा, एल्बो और शोल्डर एक बराबरी में लाने की कोशिश करेंगे हम लोग, हाथ को ऊपर रखेंगे चेस्ट के पास 1 2 3। यह हाथ का समझ में आया आपको, पैर का क्या था 1 2 3। अब दोनों एक बार हम लोग एक साथ करेंगे 1 2 3, 1 2 3। ये हमारा हाथ और पैर का अलग अलग स्टेप था, अब हम लोग दोनों को एक साथ ज्वाइन करते हैं 1 2 3। हाथ के इशारे से आपका पैर चल रहा होगा, ये आपको ऑडियंस को दिखाना है 1 2 3। और 4 में पैर का कोई यूज नहीं है, दोनों एल्बोज को हमें नीचे लाके फिर से ऊपर लेके आना है 1 2 1 2, ठीक। फिर से देखेंगे एक बार हम लोग 1 2 3 4, ये हुआ 4 काउंट हमारा। Thank you.
समझ में आया, 1 2 3 4। इसके बाद फिर से वही पैर हमको उसी तरह पैर निकालने हैं, 1 2 आगे के साइड, 1 2 3 4, 1 2 3। हाथ क्या हो रहा है, 1 पूरा प्लेन हाथ रखेंगे, इसको ब्लेड हैंड बोलते हैं हम लोग, ब्लेड हैंड इसको बोल, जब ये सारे फिंगर्स क्लोज होंगे तो इसको बोलेंगे ब्लेड हैंड, जब ये पूरे फिंगर खुले होंगे तो इसको बोलेंगे जज हैंड। तो अभी हमें ब्लेड हैंड के पोजीशन में रखना है, 1 2 3, हाथ ज्वाइन हो रहा है पैर के साथ साथ, ठीक, 1 2 3। फिर से एक बार करेंगे हम लोग, 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3। समझ में आया आपको, फिर से देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3, यहां तक हम लोग म्यूजिक करेंगे। इसके बाद का हमारा लाइन है शोर मचाए रे, तो शोर मचाए रे में मैं क्या स्टेप कर रहा हूं, हमें वेव करना है। आगे आपको पता चलेगा वेव होता क्या है, वेव सबको पता है, वेव का टेक्निक्स जिनको आता है वो सीखेंगे, जिनको नहीं आता वो भी ट्राई करेंगे, मैं आपको आगे ये बताऊंगा वेव करते कैसे हैं। फिलहाल आज के लिए हमें वेव करना है, बॉडी वेव करना है, हमें हल्का हल्का अपर बॉडी को वेव करना है। हाथ क्या रहेगा, दोनों हैंड्स के थम्स अप पोजीशन को हम लोग बनाएंगे, अपने थम्स को अप करेंगे और बॉडी पे टच करते हुए नीचे कमर तक ले जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब वेव करने के लिए सबसे पहले राइट लेग बाहर निकालेंगे और वेव करेंगे, फिर लेफ्ट लेग ज्वाइन करेंगे। मैं हल्का वेव आपको करके दिखा रहा हूं, बाद में जब वेव के क्लास हम लोग अलग से लेंगे तो उस टाइम मैं आपको पूरा प्रॉपर सिखाऊंगा वेव क्या है। 1 2, ठीक है, फिर से करेंगे, 1 2, फिर से करेंगे, 1 2। अब हाथ के साथ करेंगे अंगूठे से, 1 2, 5 6 7 स्टार्ट, 1 2। ये हो गया हमारा राइट साइड। अब हम लेफ्ट साइड करेंगे, लेफ्ट राइट सेम वेव हम लोग राइट और लेफ्ट दोनों करेंगे, हाथ का पोजीशन चेंज होगा, रेडी, 1 2, 1 2, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ये वेव का है, हाथ होगा राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, हाथ को रोल करना है हमें। समझ में आ रहा है आपको, फिर से करेंगे एक बार देखेंगे, 1 2 3 4, जहां तक आए हम लोग, अब हमारे बॉडी पोस्चर राइट साइड में टर्न हो चुका है, ठीक, एक बार फिर से देखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। समझ में आया आपको, शोर मचाए रे में हम लोग करेंगे शोर मचाए रे, हाय तेरी चुनरी भी सर की जाए रे। अब हमें ये समझना है, उससे पहले एक बार मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। हाय मेरी चुनरी भी सर की जाए, पोजीशन हमारा राइट साइड में है, राइट लेग को आगे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड से वेव करेंगे शोल्डर से रिस्ट तक, शोल्डर एल्बो रिस्ट और फिंगर तक हम लोग आ रहे हैं। ये वेव की क्लास में आपको लूंगा जब, तो ये सब बताऊंगा। राइट लेग से राइट साइड में आगे बढ़ेंगे और एक वेव करेंगे, ठीक, 1 2 में वापस वही सेम चीज हम लोग लेफ्ट साइड में भी करेंगे, 3 4 में वापस, फिर से समझेंगे, 1 2 3 4। अब इसके बाद फिर से हमें राइट लेग राइट साइड में निकालना है और अपना हाथ दोनों लेफ्ट साइड में वेव होगा, 5 6, फिर से देखेंगे यहां तक, रेडी, 1 2 3 4
फाइव में बॉडी हमारी पीछे के साइड बेंड होगी, फाइव सिक्स। अब सेवन एट में क्या करना है, पैर देखिए, सेवन एट हाथ के साथ, सेवन एट कमर और पैर दोनों यूज करना है। फिर से देखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सेवन एट कमर हमारा यूज हो रहा है, पैर के साथ कमर यूज करेंगे, सेवन एट। यहां तक मैं म्यूजिक पे करके दिखाता हूं आपको, यहां तो बीट्स आ रहे हैं, टनक टनक ये बीट है, एक बार आप म्यूजिक पे देखेंगे। यहाँ पे तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम आगे बढ़ेंगे। यही सेम लिरिक्स रिपीट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आगे स्टेप्स को चेंज करें। जो बहुत बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल डांस के बारे में नहीं पता या डांस एकदम पहली बार कर रहे हैं, तो वो लोग ये पूरे लाइन को रिपीट करेंगे। और जो लोग डांस कर रहे हैं पहले से, थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप जो मैं कल बताने वाला हूँ उस स्टेप को करना, स्टेप थोड़ा सा चेंज होगा जिस, और आपका माइंड शार्प होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो गाइज आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं, हम लोग इसी लिरिक्स को आगे बढ़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।